फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अभी 12 बजे हुए हैं और मैं अपने सारे कामों से फ्री होकर आ गई हूँ आप लोगों के सामने, आप लोगों से बात करने के लिए। अभी मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि मुझे अपने बालों की करनी है मरम्मत। लगानी है मेहंदी तो लगाने के लिए बनानी भी पड़ेगी, तो किचन में चलती हूँ और बनाती हूँ मेहंदी। बच्चे दोनों नहाने की तैयारी में लगे हुए हैं मतलब नानी नहा के पूजा घर में चली गई हैं पूजा करने के लिए, और वरदान नहा रहे हैं अभी, और परी अपने कपड़े सेलेक्ट करने में लगी हुई हैं। परी को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है अपना डेली ड्रेस को सेलेक्ट करने में कि मुझे क्या पहनना है आज, उतना टाइम उनको नहाने में नहीं लगता है। तो चलो हम चलते हैं किचन में, और बच्चे जब आते हैं मेरे पास में तो मैं मिलवाती हूँ आप लोगों को, सब लोगों से। तैयार हो चुकी है मेरी मेहंदी, और इस मेहंदी को जो बनाया है मैंने चाय की पत्ती के पानी से बनाया है। इसमें डाली है थोड़ी सी कॉफ़ी, एक चम्मच दही, एक चम्मच कोकोनट ऑयल और एक चम्मच रीठा आंवला पाउडर। तो चलो जल्दी से थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और उसके बाद अप्लाई करते हैं अपने बालों में। मैंने मेहंदी अप्लाई कर लिया है अपने पूरे बालों में। अब इसको मैं 3 घंटे पूरा रहने दूंगी और उसके बाद फिर अपने हेयर वॉश करूँगी। तब तक मैं थोड़ा धूप में बैठूँगी और थोड़ा थोड़ा काम करती रहूँगी। मैंने सोचा मंकी आ गया ऊपर, कपड़ा था वो ऊपर, सोचा मंकी है। मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि परछाई धूप से ऐसी आ रही है ना डोर पे, मंकी चल रहा हो रेलिंग पे। अभी धूप अच्छी लग रही है, मैं लेटूंगी थोड़ी देर के लिए जरूर, है ना। और हमें थोड़ी देर फोन दे देना। बिल्कुल नहीं दूंगी। दोनों अच्छे बच्चे बन के बैठ गए हैं, ब्रेकफास्ट तो पहले कर लिया था और अब खा रहे हैं अपनी चिज़े। ये क्या है, कौन सा पैकेट है ये? नूडल्स। जंगल ये तो नानी के गांव में भी मिलता है, जंगल मंगल, है ना, बहुत टेस्टी होता है। वरदान आप क्या लाए हो मेरे लिए, कौन लेके आया? कुछ नहीं लेके आया कोई, आप मंगाया नहीं? कैसे बुरे बच्चे हैं मम्मा के लिए तो कुछ लाते ही नहीं है भाई, साथ साथ में पढ़ाई भी चल रही है दोनों। अभी तो कर रहे थे। अरे ये क्या है, ये किंडर, ये तो वही है जो तुम कर रही थी। हाँ ये किंडर क्रीम है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मैं खा के देखूंगी, देखना मुझे देना थोड़ा सा। मैं अभी छोटी बच्ची बन जाती हूँ। अभी बताओ वो छोटा सा टॉय जो आता है क्या जरूरत है इसको लेके आया करो, इसमें खाने के लिए कुछ है तो टेस्टी सा। फ्रेंड्स अभी कुछ 4:15, हाँ 4:15 हो रहे हैं और नानी जा रही है नोएडा, फिर वो आएंगी जनवरी में। इस वजह से सब लोग बहुत दुखी हैं क्योंकि नानी के बिना किसी का मन नहीं लगता, यहाँ तक कि लड्डू का मन नहीं लगता। लड्डू भी जब से उदास है। नानी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं जाने के लिए और बस ओला आने वाली है उनकी। बहुत याद करेंगे हम नानी को। नानी जनवरी में आएगी, चाहे नानी 15 दिन के लिए कहीं जाती है लेकिन फिर भी नानी के बिना मन नहीं लगता कि मम्मा। अभी बताऊं कि हमारे यहाँ मम्मा नानी जाएंगी, नानी जैसे ही निकलेंगी ना हमारा रोने का सेशन शुरू हो जाएगा क्योंकि मम्मा नानी के बिना रह नहीं सकती बिल्कुल, है ना। अभी भी रुआनुसी हो रही है तो फिर नानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, नानी के बैग रेडी हो चुके हैं और नानी थोड़ी देर में निकल जाएंगी। ये रही मम्मा। ठंड लग रही है मुझे। चलो फ्रेंड्स मैं हम आपसे थोड़ी देर बाद बात करते हैं, ओला वाले का कॉल आ रहा है। मतलब मार के भाग गया। मार के भाग गया। मैं उसकी शैतानी बता रही थी। मार के भाग गया। आपके पास क्या? कभी भी चलूंगा। मेरे पास गुस्सा हो गया मुझसे, ये मुझसे गुस्सा हो गया। अभी हुआ है 5:30, मम्मी चली गई हैं 4:15 निकल गई थी वो, और मैं अभी अपने हेयर वॉश करके आई हूँ। बहुत दिनों के बाद में मैंने कई घंटे लगातार मेहंदी लगाई है, सर में मेरे दर्द भी होने लगा लेकिन अब जाके मैंने वॉश कर लिया हेयर वॉश, और अब अपने बालों को ना पूरा का पूरा ड्राई करने में लगी हुई हूँ कि जल्दी से सूख जाए क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी अब कि भाई यार कितनी ठंड में मैंने मेहंदी लगाई है। मैं कभी दिसंबर जनवरी में तो लगाती ही नहीं हूँ मेहंदी, मैंने अब लगाई है बहुत टाइम के बाद में। अब चलो जल्दी से सुखाते हैं अपने बालों को और उसके बाद पीते हैं फिर एक गर्मा गर्म सी चाय।
रात हो गई, डिनर विनर करा दिया, तो अब हमको भी तो थोड़ी सी सेवा चाहिए। आज हमने मेहंदी लगाई है बालों में, तो तेल भी तो लगवाना है, मालिश करवाई जा रही है बालों की। विनोद को लगा दिया काम पे। जिसको जरूरत है मालिश की, उससे मालिश करवा रहे हैं। तुम्हारा तो बाल है ही नहीं, हम सोच रहे हैं हमारे 5-7 बाल बचे हुए हैं, थोड़े मेहंदी वेंदी लगा के कर ठीक कर ले उनको, थोड़े से और आ जाए, वरना तुम्हारे वाला ही हाल होता जा रहा है हमारा भी। लड्डू का हो गया सोने का टाइम, रात के बज चुके हैं 11। लड्डू बहुत लेट सोते हैं, बहुत सारे भजन सुनते हैं, बहुत सारा प्यार करवाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। तो हम भी अपने व्लॉग को यहीं बंद कर देते हैं। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मुझे लादे लादे बोलना मत भूलना। गुड नाइट, बाय बाय। राधे राधे, सब बोलो राधे राधे, राधे राधे।